हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इन्फोलॉजी में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज मेरे पास है ये है एप्पल का आईपॉड शफल। ये साइज़ में कुछ ज़्यादा ही छोटा है, जैसे देख सकते हैं ना, मिनी छोटा सा पोर्टेबल है एकदम, ये इतना छोटा सा। तो आज मेरे पास है ये। कितने की है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या बैटरी बैकअप है, क्या क्या सपोर्ट करता है, कितने GB का है, कौन सा वेरियंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही देख सकते हैं, ये है मेरे पास आईपॉड शफल। ये है, इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये आता है 2 GB वेरिएंट, जिसमें 2 GB इनबिल्ट स्टोरेज आती है इनबिल्ट के साथ। इसका मैं बॉक्स की बात करूँ तो ये मेरे पास है बहुत पुराने, कम से कम इसको 2-3 साल हो गया मेरे पास। देखिए इसका मैं बॉक्स दिखाता हूँ आपको। बॉक्स आता है इसका, बॉक्स वॉक्स भी चिपक गया है। ये देखिए ऐसा डिब्बा है, इसका डिब्बा ऐसा डिब्बा आता है। और ये है इसका गत्ता सा, जो भी बोले। तो ये भी फट गया। यह है लिखाई, जैसे देख सकते हैं, आईपॉड शफल ओरिजिनल एप्पल है। ये आता है मेरे पास है 2 GB के वेरिएंट में, 2 GB इसकी स्टोरेज है। ठीक है, अब हम बात करें इसके अंदर क्या क्या आता है। तो इसमें आता है आईपॉड शफल, मतलब यही, और एक ईयरफोन आती है, एक USB आती है, केबल आती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बाकी सभी पूरा ही है। तो इसमें एक ऐसा सीन है, इसमें आपको जब आपको डाउनलोड करना है, जब लेते हो आप, तो तब पूरा मैनुअल मिलेगा। ये छोटा सा पूरा बुक है, इसको आपकी बड़ी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नॉर्मल है नहीं। इसमें एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है आईट्यून्स का, उसके बिना ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, और इसके बाद है, देखिए आप, ये ऐसा सामने से ऐसा, इसमें कितने बटन है, ये वॉल्यूम अप, ये वॉल्यूम डाउन, मैंने प्लस ज़्यादा बढ़ाने का, कम करने का, और ये प्ले पॉज, गाना चाहिए आगे बढ़ाने का, फॉरवर्ड प्ले, फॉरवर्ड प्ले पॉज, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, प्ले नहीं नेक्स्ट फॉरवर्ड। इसको अगर आप दबाए रखेंगे तो ये गाना आगे भी स्किप करेगा, और इसको पीछे दबाए रखेंगे तो गाना पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे इसकी बटन्स क्या है, इसमें बस ये देख सकते हैं आप, एक ये बटन है स्विच सा, ठीक है, और बस। तो अब जैसे कि देखिए ये है, तो इसमें आता है बस ये एक ऑडियो का जैक 3.5 mm का, और इसके नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है बस। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब आप सोचेंगे चार्ज कैसे होगा, मैं वो भी बताऊंगा कैसे चार्ज होगा ये। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है, इधर देखिए आप, तो इधर देख रहे हैं, इधर ये एक ऑफ लिखा है, फिर ऑफ के साइड में लाइन वाइज है, फिर इसके बाद सफल है। तो अपने को पहले तो ऑन करना है, ऑन करने के लिए आप इसको एक बार आगे करो या बहुत बार आगे कर दो, तो ये आपका सफल पर चला गया है। एक बार ही पीछे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लाइन वाइज। तो जैसे ही आप इसको यहाँ लाओगे तो यहाँ लाइट जलने लगेगी, छोटी सी देख रहे हैं एकदम, देखिएगा लाइट जलेगी, देखिए जली है ग्रीन कलर की। तो यह है इसकी लाइट जल गई। तो बस यहाँ से अभी गाना प्लीज चलना शुरू हो गया इसमें। अब इसका तो बस यही है इसमें, और बाकी इसका मैनुअल बॉक्स, ये उस टाइम पता है 2500 का, अब क्या पता महंगा हो गया, मैं भी चेक करके बता दूँगा फ्लिपकार्ट का क्या रेट है। और ये इसकी चार्जिंग की केबल, ये मेरे को मिली थी। इसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, चार्ज करने के लिए करना हो या फिर आपको इसमें गाने डाल लो, इसको ऐसे लगा के आप इसको अपने अडेप्टर में लगा दो या फिर अपने PC में लगा के इसमें आप गाने गाने ट्रांसफ़र कर सकते हो। यह है इस काम के लिए। और बाकी बात रही इसको बैटरी बैकअप, बैटरी बैकअप इसका सही 2-3 घंटे का आपको दे देगा है। हाँ, तो बस मैं बताता हूँ इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। ये 2 GB में आता है, 2500 से 3000 का है ये, छोटा सा पोर्टेबल है एकदम, देखिए मुट्ठी में आ गया मेरी, ये देखिए कितना छोटा सा। तो बस इसके ऐप सिनेमैटिक देखिए, की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। अब मैं इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट करूँगा, इसका बैटरी बैकअप, इसमें कैसे आप गाने डाल सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, तो मैं सब बता सब